हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेताज किचन। आज हम बेसन की सब्जी बनाना सीखेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले जीरा, राई, अदरक, हरी मिर्च, हींग, प्याज, टमाटर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नींबू और एक कटोरी बेसन लेंगे। सबसे पहले हम मिर्ची, अदरक, राई और जीरा का छौंक लगाएंगे। उसके लिए हमने एक हरी मिर्ची, छोटा कटोरा अदरक का, राई जीरा चौथाई चम्मच दिया हुआ है, हींग थोड़ी सी एक पिंच, इनको फ्राई कर लेंगे। ये बेसन की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है और आसानी से बन जाती है कम इंग्रेडिएंट में। जब हमारे घर में कोई सब्जी नहीं हो, ओनली टमाटर प्याज हो, तो हम इसकी सब्जी बना सकते हैं। अब हम उसमें प्याज काट के डालेंगे बारीक। मैंने एक मिडिल साइज का प्याज लिया हुआ है। गुलाबी होने तक अब दो मिडिल साइज के टमाटर को बारीक चॉप करके में डालेंगे। आधा स्पून सॉल्ट डाल देंगे, इससे टमाटर जल्दी से पक जाए। इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। ढकने से हमारे टमाटर और जल्दी पक जाते हैं। देखिए पक गए हैं ये। अब इसको चमची की सहायता से मैश कर लेंगे। इसमें सारे हमने मसाले डाल दिए हैं। इसमें एक स्पून हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर आधा स्पून है। चाहे तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अब इन सारे मसालों को भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि और हमारे टमाटर गल जाए। अब इसमें हम एक कटोरी बेसन डाल देंगे। इसको सारे मसाले मिलाएंगे अच्छे से। इनको हल्का भूनना है बेसन को हमें। अब इसमें आधा स्पून सॉल्ट और डालेंगे। हमने पहले भी इसमें नमक डाल चुके हैं टमाटर पकाने के लिए, इसलिए ज़्यादा अधिक नमक नहीं डालना है। अभी सब कुछ मिक्स हो गया, भुन गया। इसमें हम एक ग्लास लगभग पानी डालेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है जिससे इसमें गठाने ना पड़े। थोड़ा और पानी डाल लिया हमने। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
है इसमें अच्छा सा गाढ़ापन आ गया है, इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे 1 स्पून। अगर आपके पास हरा धनिया है तो उसमें हरा धनिया बारीक काट के डाल सकते हैं। एक्चुअली मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला, नहीं तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें हम आधा रस नींबू का डालेंगे जिससे खट्टा बनाएगा थोड़ा, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसको हम एक अलग बाउल में सर्व कर लेंगे। अब हमारी बेसन की सब्जी तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब।